MEMA 304 CNC machines and automation. Unit 2, component of NC machines or subunit 2.3 NC coding. NC coding का basic idea मैंने कल के lecture में दिया था और डिस्कस किया था कि कोई अगर अपनी डेसिमल डिजिट है उसको अपन बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. मैं थोड़ा सा उसी चीज़ को वापस बताते हुए आगे चलता हूँ. हमने आप देख रहे हैं कि एक डिजिट ली 57 डेसिमल डिजिट है और इसको बाइनरी में कन्वर्जन हमें करना है. इसका बाइनरी डिजिट हमें बनानी है. बाइनरी सिस्टम का बेस क्या होता है? 2. तो हम जो भी डेसिमल डिजिट है उसको 2 से भाग देना शुरू करते हैं और तब तक भाग देते चले जाते हैं जब तक हमें लास्ट में रिमाइंडर 1 या 0 नहीं मिलता. तब तक हम भाग देते चले जाते हैं. तो हमने 57 को भाग देना शुरू किया, 2 से भाग दिया 57 को, तो 28 बार गया. 28 दूनी 56, तो 57 के नीचे हमने 28 लिख दिया जितनी बार भाग गया और रिमाइंडर कितना बचा? 28 दूनी 56. जब 57 में से 56 घटाए तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 1. वो हमने 57 के आगे राइट साइड में लिख दिया 1. अब 28 के अंदर हम फिर 2 का डिवाइड किया, 14 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0. तो हमने 28 के आगे राइट साइड में लिख दिया 0. अब 14 में फिर हमने 2 का भाग दिया, 7 बार गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? 0. वो हमने 14 के आगे 0 लिख दिया. अभी जो 7 था इसमें फिर 2 का भाग दिया, 3 बार गया, 3 दूनी 6, जब 7 में से 6 घटे रिमाइंडर बचा 1, तो 7 के आगे हमने राइट साइड में लिख दिया 1. अब 3 में फिर हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार, 2 एकम 2, 3 में से जब 2 घटे तो बचा 1, वो हमने 3 के राइट साइड में लिख दिया. और नीचे जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो 1, 2 एकम 2, मतलब 1 बार भाग गया, तो वो हमने 1 लिख दिया है 3 के नीचे. तो अब जब हम इसका बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तो सबसे नीचे जो 1 बचा है उससे हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, 1 के बाद जो पहला 3 के आगे जो नीचे से ऊपर की तरफ जो रिमाइंडर बचे उनको उसी सीरीज में 1 के आगे लिखते चले जाएंगे. 1 फिर 1 फिर 1, 0 0 1, ये इसका बाइनरी कन्वर्जन है. तो 57 डेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी कन्वर्जन क्या बना? 1 1 1 0 0 1. ये कैसे बना मैं फिर बता रहा हूँ कि जो सबसे आखिर में आप देखिए, जब 3 में हमने 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 1, तो हमने नीचे लिख दिया 1. तो ये 1 सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद इसके आगे जो रिमाइंडर बचे हुए हैं वो आप 57 के आगे तक जो रिमाइंडर लिखा है वो लिखते चले जाइए. तो ये बन जाएगा 1 1 1 0 0 1. तो ये 57 का बाइनरी नंबर हो गया. अब बात करते हैं अपन, ये तो हम एक बाइनरी नंबर डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन कर दिया. अब मुझे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे करते हैं? इसका जो तरीका है, जो भी आपकी बाइनरी डिजिट है, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है 11011, इसको अगर अपन पढ़ेंगे 11011, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ है 11011, ये बाइनरी नंबर है और इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले मैं 1 को लूँगा, जो सबसे लेफ्ट साइड में नंबर लिखा हुआ है, मतलब 11000 का जो 1 है, ये जो संख्या लिखी है 11011, इकाई के ऊपर 1 है, दहाई पे 1 है, सैकड़े के ऊपर 0 है, हजार के ऊपर 1 है और 10000 पे 1 है. तो हम सबसे पहले जो सबसे बाईं तरफ की संख्या है, यानी इसमें 10000 के ऊपर जो संख्या है वो लेंगे, वहाँ पे क्या है? 1. उस 1 को हम गुणा करेंगे 2 से, 2 की कितनी घात से? n-1,
यहाँ पे एन क्या है कि ये जो एक 10,000 वाली 10,000 की जगह पे जो एक लिखा हुआ है इस संख्या में, उसको राइट साइड से गुनना शुरू कीजिए कौन से नंबर पे है, वो मैं बताता हूँ, वो एन होता है। 1, 2, 3, 4, 5 10,000 पे कि जो राइट साइड से उसकी प्लेस हुई वो पांचवी हुई, तो इस एक को अपन 2^(n-1) से गुणा करेंगे। n यहाँ पे हो गया 5, तो 5 में से 1 गया 4, तो आप देखिए पहली जो चीज़ लिखी गई वो 1×2^4 प्लस। अब आप 1,000 की संख्या पे आइए, इसमें 1,000 के ऊपर भी एक है, प्लस 1×2, 2 से तो हो गई बाइनरी है, इसलिए घात कितनी हो जाएगी n-1। तो ये जो 1,000 के ऊपर संख्या है ये पीछे से 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे है, तो n हो गया 4, तो मेरे को गुणा किससे करना होता है, n-1 से, ठीक है। तो मैंने n-1 × 2 × 2^(n-1) n यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 1 गया 3, तो 2^ हो गई 3। अब आप आइए सैकड़े पे, सैकड़े पे क्या है, 0, तो 0 गुणा किससे होगा, वही 2 से, और 2^ कितनी हो जाएगी, 0 का अगर आप राइट साइड से गिनना शुरू करें कौन सी प्लेस है सैकड़े वाली, तीसरी, 1, 2, 3 तीसरी प्लेस है, तो 2^(n-1) हो गया, तो n 3 है, 3 में से 1 गया 2, तो 0 किससे गुणा हुआ, 2^(2) से। उसके बाद फिर 1 है दहाई के ऊपर, उसको गुणा 2 से करना है, 2^ से करना है, घात कितनी बनेगी, पीछे से दूसरे नंबर पे है तो n दूसरा हो गया, तो n-1 कितना हो गया, 2^1, तो प्लस 1×2^1 प्लस इकाई के ऊपर फिर 1 है, इसको फिर 2 से गुणा करना है, और n-1 तो पीछे से संख्या कौन सी है, पहली है, तो n पहला, और उसमें से 1 घटाना है, तो 1 में से 1 घटा तो 0, तो 2^ हो गई 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 1×2^4 ये बना 16, प्लस 1×2^3 ये बना 8, प्लस 0×2^2 ये बन गया 0, प्लस 1×2^1 बना 1 ये हो गया 2, प्लस 1×2^0 ये हो गया 1, तो ये हो गया टोटल 27। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1111 अगर कोई बाइनरी नंबर है तो उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या बना, 27। तो इस तरीके से अपन डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से बाइनरी नंबर्स के साथ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो भी परफॉर्म होते हैं, बाइनरी नंबर के साथ भी परफॉर्म होते हैं। ये तो मैंने बताया अभी कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसको अपन प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं, उसका जो तरीका कहलाता है वो कहलाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल में हर एक डिजिट को, बाइनरी इसके अंदर बाइनरी कोडेड डेसिमल में हर एक डिजिट को, जो डेसिमल डिजिट है उसको 4 बाइनरी बिट्स का एक सेट बनाते हैं, 4 बाइनरी डिजिट से उसको रिप्रेजेंट, 4-4 के ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पे 2 की, डेसिमल नंबर 2 है, 2 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा, 10। 2 का बाइनरी कन्वर्जन अगर आप करके देख लो, 2 का 2 डेसिमल डिजिट है, इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसका बनेगा 10। अब चूंकि अपन को कोडिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD सिस्टम में करनी है, वहाँ पे 4 बाइनरी बिट बननी चाहिए, तो 2 का आप डेसिमल नंबर 2 है, इसका पहले बाइनरी लिख लो, कितना बना, 10। 4 का सेट बनाना है बिट का, तो 10 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, BCD 0010। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट तो 10 है, लेकिन मुझे 4 का सेट बनाना है, रिप्रेजेंट जो होगा BCD में वो 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट होगा, तो मैं आगे 2 जीरो लगा देता हूँ, उससे इसकी वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं आएगा और ये चीज़ हो जाएगी। तो 2 का BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या बना, 0010।
इसी तरीके से आप तीन का करिए, तो पहले तो तीन का आप बाइनरी डेसिमल निकालिए, बाइनरी डिजिट निकालिए, तीन के अंदर दो का भाग दीजिए, एक बार गया, रिमाइंडर बच गया एक, तो तीन का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या बना, एक एक इलेवन। लेकिन हमें बाइनरी बिट कितने में बनानी है, चार के अंदर, तो एक एक क्या गया, आप दो जीरो लगा दो, तो जीरो जीरो वन वन, ये एक चार का सेट बन गया। अब इसी तरीके से अगर अपन देखें 35 को अगर अपन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बनेगा 10011। कितना बनेगा 35 का, 35 है डेसिमल, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बनेगा, दो से भाग देके देखना, तो ये बनेगा 100011। अब इसके अंदर अपन को चार के सेट बनाने हैं, अब ये तो संख्या चार से बड़ी हो गई बाइनरी इक्विवेलेंट, तो अपन पीछे से चलना शुरू करेंगे, राइट साइड से, राइट साइड से पहले गिन के चार बना लो, तो गिन के चार बने, पीछे से सब पीछे से चलेंगे, तो सबसे पहले एक, फिर एक, फिर जीरो, फिर जीरो, अब बच गया 01 लेफ्ट साइड में। तो अब क्या करो, पीछे से चार बना लिए, आगे बचे, उसके आगे बचे दो, अब दो को तो काम नहीं होगा BCD में, अपन को बनाना है चार का, तो इसके आगे दो लगा दो, तो अपना सेट क्या बन जाएगा, इसका 35 का बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या बन गया, चार चार के दो सेट बन गए, पहला बना 0010 और दूसरा बना 0011। ये आप देख लो कि 0010 और 0011। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो सारे करेक्टर्स के लिए अपने पास कोड्स अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो कोई A to Z अल्फाबेट करेक्टर है, अल्फाबेटिक करेक्टर है, या कोई स्पेशल करेक्टर है, कॉमा, एप्सिलॉन, इन्वर्टेड कॉमा, तो उसके लिए भी अपने पास प्रोविजंस होते हैं कि उसको अपन को कैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल में लिखना है, और बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम ही प्रोग्राम की लैंग्वेज में होगा, और वो ही पंच कार्ड पे या पंच टेप पे फीड होगा या मैग्नेटिक टेप पे फीड होगा, और उसी को मशीन कंट्रोलर यूनिट MCU रीड करेगा। अब ये जो मैं सिस्टम बता रहा हूँ बाइनरी कोडेड कन्वर्जन, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे दो तरीके के कोडिंग सिस्टम्स काम में आते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोडिंग सिस्टम इन न्यूमेरिकल कंट्रोल इज दो हैं, पहला ISO न्यूमेरिकल कोड और EIA न्यूमेरिकल कोड। तो ISO न्यूमेरिकल कोड जो है वो कहलाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कोड, और EIA कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कोड। तो दो तरह की कोडिंग वर्ल्ड वाइड चलती है, स्टैंडर्ड है, एक तो ISO न्यूमेरिकल कोड और एक EIA न्यूमेरिकल कोड। तो इसके बारे में अपन कल नए लेक्चर के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके।